गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का जो नेक्स्ट पार्ट था वो हम सोल्व करेंगे। कल हमने से क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर तक, इसका एक पार्ट मैंने आपको करने के लिए दिया था, पेज नंबर आपका 31। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 आपका मैजिकल स्क्वायर है, इसमें आपको एक बॉक्स दे रखा है जिसमें कुछ नंबर दे रखे हैं फ्रैक्शन में, जैसे 4x11, 9x11, 2x11। तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये एक मैजिक स्क्वायर बॉक्स है। तो वो आपको कैसे पता लगाना है कि आपको इसको इस तरह से नंबर दे रखे हैं, यानी आपको ऐसे नंबर दे रखे हैं इनके अंदर, तो आपको इनको ऐड करना है, चाहे आप इसको ऐसे दीजिए रोज है या फिर कॉलम में, कैसे भी इसको, चाहे आप इसको इस तरीके से ऐड कीजिए, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, चाहे कैसे भी ऐड करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 15x11। तो वो अगर आपको सारा ऐड करने में, यानी कि जिस तरीके से भी जिस वे से आप करते हो ऐड, ऐड करने में 15/11 आता है, मीन्स ये मैजिक स्क्वायर बॉक्स है। जैसे मैं इसको अगर 4x11, 9x11 और 2x11 को अगर ऐड करता हूँ, तो 9 और 4 13 और 2 15x11, तो मेरे हिसाब से ये मैजिक स्क्वायर बॉक्स है। बाकी आप खुद करिएगा, एक बार चेक कर लीजिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपको 3 या कॉमिक सेक्शन में करके पहले आप इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे मैं बताया था पहले आपको, 12×24 और 125/2 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे 10×30 और 2×32/3 सेंटीमीटर। अब आपके आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर और रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर और रेक्टेंगुलर टू ब्रैकेट में एल प्लस बी, एल डिनोट करता है लेंथ को और बी होता है आपका ब्रिज, ये होता है आपको पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो होता है आपका लेंथ इनटू ब्रिज। कैसे करेंगे? लेंथ आपको 25/2 और ब्रिज आपको 32/3। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने ऐड करना सीखा था, तो उधर क्या लेते हैं एलसीएम, 4 3 एलसीएम कितना आएगा 6, एलसीएम मैंने बताया हुआ आपको कैसे लेते हैं, 2 3 6, तो 3 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, इधर 3 2 6 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 74। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 64 आएगा। 3 2 6, 2 4, 2 3 6, ऐड करेंगे 5 4 9 और 7 6 13, कमाल में 6, ये आएगा आपका 2 1 39, कमाल में 6। इसको हम कट कर सकते हैं, 2 1 2 2 3 6, कितना आएगा 139, कमाल में 3 सेंटीमीटर। पहले तो हमेशा आपका मीटर तो मीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, एरिया तो स्क्वायर आता है। अब देखिए आपको जो लेंथ और विड्थ दी वो मिक्स फ्रैक्शन में थी, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन। कैसे करेंगे? इसमें हम डिवाइड करेंगे, 3 4 12, रिमाइंडर बचे आपका 1 और 17 9, 3 6 18, कितना बचेगा 1, ये होता आपका क्यू, ये होता आर, ये होता आपका डी। इसको हम कैसे लिखते हैं? क्यू आर एंड डी, मीन्स टोटल कितना आपका 46, रिमाइंडर कितना आपका 1 और कॉल में डिजिट कितना आपका 3, 4 1/3 सेंटीमीटर, 46 1/3 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया पेरीमीटर। दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या था, ये रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ और ब्रिथ दे रखी है आपको, आपको उसका पेरीमीटर फाइंड करना था, बट जो लेंथ और ब्रिथ गिवन थी वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन थी, तो इसको पहले आपने चेंज किया 24 और 1 25/2 सेंटीमीटर,
10 3 30 2 32 by 3 सेंटीमीटर। अब आपको फॉर्मल बताना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 (l+b) एल प्लस बी, एल है आपका लेंथ प्लस बी है आपका विड्थ। तो लेंथ की जगह पुट किया मैंने 25/2 प्लस विड्थ की जगह पुट किया 32/3। यहाँ पे इसका मैंने एलसीएम लेके सोल्व किया था, 302 का एलसीएम आएगा 6, जिसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 139/6। यहाँ मैंने 6 को 2 से कट कर दिया, कितनी टाइम 3 टाइम, तो आंसर आया आपका 139/3। अब इसको आपको क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था तो आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में देना है। तो इसका मैंने मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकाला, डिवाइड किया 3/4 से 12, रिमाइंडर 19 आ गया, 3/6 18, रिमाइंडर बच गया 1 आपको डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीई, ट्रायंगल एबीई जो ट्रायंगल बन रहा है आपका नॉर्थ साइड है एबी, बीई एंड ईए, इसका आपको पेरिमीटर फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द रेक्टेंगल बीसीडी इन दिस फिगर हुज पेरिमीटर इज ग्रेटर, दोनों का आपको पेरिमीटर फाइंड करना है, इस रेक्टेंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी। अब बाद में आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में से किसका पेरिमीटर ज्यादा है, तो वो आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया पेरिमीटर फाइंड करते हैं, पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीई, पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, साइड कौन कौन से होगा, एबी प्लस बीई प्लस ईए, एबी की वैल्यू करके बात हो जाएगी 5/2, बीई की तरीके 2 3/4, ई की तरीके 3 3/5। दोनों आपको इस फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेते हैं, पहले 5/2 और इधर 8/3 11/4, 5/3 15/3 18/5, बाकी कोई पहले की तरह बन गया, क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे 5 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा 5 4 और 2 का, ऐसा नंबर देखना जो यूनिट टेबल में आता हो, कितना आएगा 20, टेबल में भी आता है 4/5 में, टू से कितनी टाइम जाएगा 10 बार में, 2 10 20, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया अपने 50, 4 5 20, 5 11 से किया तो 55, 5 4 20, 4 2 18 से करेंगे 4 8 32, 3 4 3 1 72, इन सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 5 4 2 7 और 5 5 10 7 17 177 5 7 12 5 7 17, ये आपका आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ, इसको मैं लिख देते हैं बाद में हमको मेजर करने कौन सा ज्यादा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी एंड ई, अभी बताया था पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, 2 (l+b), यानी कि लेंथ कौन सी होगी इसकी, ये वाली बी ई, इतनी है 2 3/4, और विड्थ कौन सी होगी, ये वाली 7/6, चेंज कर लेते हैं पहले 4 8 और 3 11/4,
गया आपका 7 है, फिर दोबारा से क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 12 ठीक है, 11 करेंगे 33, 6 2 12 12 2 को 7 करेंगे 14, ये आएगा आपका 33 और 14 कितना हो गया आपका 47, 12 इसको अगर कट करना चाहे कट कर सकते हो, 47 by 6 cm। पहले कट चुके हैं, पेरिमीटर रेक्टेंगल कैसे निकाला था, 2 × b लेंथ + width, लेंथ की आपकी ये वाली 2 × 3 by 4 और फिर 3 × 7 by 6, तो फिर इसको हमने चेंज किया 4 × 8 = 11 by 4, यहाँ से मैंने 4 और 6 कैंसिल निकाला 12, 4 × 3 = 12, 33, 6 × 12 12 2 को 7 से क्या 14 दोनों को ऐड किया तो 47 by 12 आया, यहाँ से मैंने दूसरे इसको कट कर दिया 6 टाइम्स, वहाँ से कितना आया 47 by 6। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना आया था 177 / 1 में 20 और पेरीमीटर ऑफ अब आपको बताना है कि कौन सा पेरीमीटर किसका ज्यादा है, कैसे बदल जाएंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, जैसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा था कि डिनोमिनेटर को सेम बना के उसके बाद हमने अरेंज किया था, अभी तो आप नहीं बता सकते, तो इसके आपको पहले इसको सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। 6 और 20 का एलसीएम आएगा कितना आएगा, पहले वो आपको देखना पड़ेगा, ये आएगा आपका 2 × 3 = 2 × 20, ये 2 से जाएगा 3 और ये 5, 3 से जाएगा 1, 5, 2 5 से जाएगा 1, 2 जा 4, 4 से जा 12, 4 से जा 60, एलसीएम कितना आएगा 60, तो ये इसको 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 60 बनाने के लिए हम 12 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 177 अपॉन में 3 ये हो गया आपका 3 × 21 केवल 2 3 और 5 अपॉन में 60, इसका बनाएंगे जब हम 10 तो देखिए आप दोनों का डायमीटर सेम हो चुके हैं, ये भी 60 ये भी 60, अब ऊपर वाले पे भी देखेंगे कौन सा ज्यादा है, 531 जो किसका पेरीमीटर था ट्रायंगल का, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहां से हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCD। इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है क्वेश्चन, दोबारा से मैं एक्सप्लेन देता हूँ, क्या था कि फिगर दे रखा था जिसमें ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल था, इसमें आपको दोनों की मेजरमेंट दे रखी क्या क्या थी, पहले आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था, वो कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड इन तीनों साइड को हमने ऐड किया था, तो उसका जो पेरीमीटर आया था वो आया था 177 by 20 cm। सिमिलर आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना था, जो हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके थे 2 (l + b), तो जो लेंथ थी इसकी 2 × 3 / 4 और ब्रिथ थी 7 / 6, तो दोनों को ऐड किया था हमारा आया था 47 / 6। अब दोनों के क्या डिनोमिनेटर अलग अलग थे, तो हमको उसको सेम बनाना पड़ा क्यों, क्योंकि हमको चेक करना था कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, तो जब हमने इसको मेजर किया चेक किया तो जो हमारा पेरीमीटर ट्रायंगल था वो ग्रेटर निकला किससे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई से। आगे क्वेश्चन में 6 है, Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 73 by 10 cm wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 73 by 10 cm wide. How much should the picture be trimmed? कि सलील एक बॉय है जो अपने एक फ्रेम में पिक्चर पुट करना चाहता है, जो कि पिक्चर है वो आपकी 73 by 10 cm वाइड है और जो फ्रेम है उसकी जो लेंथ ब्रिथ है जो चौड़ाई है वो 73 by 10 cm है, यानी
उसके फ्रेम में इतनी चौड़ाई तक पिक्चर आ सके। तो वो बोल रहा है कि इस पिक्चर को कितना कट करना पड़ेगा ताकि वो फ्रेम में फिट हो जाए। तो मैं इसको बता देता हूँ आपको कैसे करना है, बाकी आप खुद घर पे कीजिएगा। तो जो आपको पिक्चर की जो मेजरमेंट दे रखी है, वो मेजरमेंट में से आपको इस फ्रेम की जो चौड़ाई दे रखी है वो आपको क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो वहाँ से आपकी उस फ्रेम की एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाएगी। तो इसको आप घर पे कीजिएगा। बाकी से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो क्वेश्चन बचे हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।